तो आज हम बात करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में। मोशन सिकनेस मतलब मोशन की वजह से होने वाली सिकनेस। जब भी आप किसी व्हीकल में, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, में ट्रैवल करते हो और आपको नौजिया मतलब जी घबराना, वॉमिटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, बॉडी का पेल हो जाना जैसे सिम्टम्स आते हैं, मतलब आपको मोशन सिकनेस है। कभी कभार आप एम्यूजमेंट पार्क जाते हो, वहाँ घूमते हुए झूलों को देखकर भी आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सब मोशन सिकनेस के ही सिम्टम्स हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि 80-85% लोगों को ये मोशन सिकनेस होता है। किसी को बस ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। आप ब्लेस्ड हो अगर आपको ये मोशन सिकनेस नहीं है तो। बॉडी पर ज़्यादा सीवियर इफेक्ट्स तो इस मोशन सिकनेस के नहीं होते हैं, पर ये उस बंदे की जिसको ये हो रहा है उसकी पूरी ट्रैवलिंग जर्नी को ख़राब कर देता है। वो बस यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये एंड हो, और साथ वाले लोग तो और परेशान हो जाते हैं। तो आखिर ये होता क्यों है? What's the reason for this motion sickness? तो आपके जो आईज हैं और जो ears में जो balancing organ है उसमें discoordination की वजह से ये motion sickness होता है। मान लीजिए आप जैसे एक vehicle में travel कर रहे हो, वहाँ पे जो आपकी आईज है वो तो बाहर के moving objects को देख रही हैं, और हमारे जो ear में balancing system है उसको signal जा रहा है कि body rest में है, कि body actual में rest में है। तो ये दोनों confusing signals भेजते हैं brain को और ये हमें symptoms आते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको जब ये मोशन सिकनेस होए, आप ये बेसिक टिप्स फॉलो करो। इनको फॉलो करके आपका मोशन सिकनेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सबसे पहले तो सिटिंग का ध्यान देना है कि आप बैठ खा रहे हो। आप कार में बैठो तो फ्रंट सीट पर बैठो और सीट बेल्ट ज़रूर लगाओ। इससे क्या होगा कि बॉडी का मूवमेंट कम होगा, और जब बॉडी का मूवमेंट कम होगा तो ये सिम्टम्स कम आएंगे। आप किसी वेकेशन पे चले गए, वहाँ बोट में ट्रैवल कर रहे हो, तो मिडल ऑफ द बोट बैठो, क्योंकि वहाँ पे भी मोशन कम होता है। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। मान लो किसी से बात कर ली, म्यूजिक सुन लिया, और ध्यान रहे रीडिंग बुक्स, बुक्स रीड बिल्कुल मत करो। दूसरा, फोन्स पे रील मत स्क्रॉल करो, फोन मत चलाओ। इससे क्या होगा, सिम्टम्स एग्जैजरेट होंगे, बढ़ जाएंगे। तीसरा और सबसे असरदार तरीका है फिक्सेशन, मतलब जब आप कार में बैठे हो तो आप हॉरिजन की तरफ देखो। हॉरिजन मतलब जहाँ पे आपकी जो अर्थ है और स्काई का जो मीटिंग पॉइंट होता है उस पे अपनी आईज को फिक्सेट कर लो, तो इससे सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाएंगे। चौथा है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके नौजिया वाले सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो आप शीशे वाली जगह, विंडो सीट प्रेफर करो, चाहे वो बस हो चाहे वो कार हो। और पाँचवा है मील का बहुत ध्यान रखना है। आपको हैवी मील्स तो अवॉइड ही करने हैं। आप जर्नी पे जा रहे हो, आप हैवी मील्स तो खाओ ही मत। आप बहुत कुछ लाइट ले लो, वाटर पीते रहो, लाइट ले लो, पर हैवी मील्स बिल्कुल मत खाओ। और साथ में जिंजर रखो, अदरक, क्योंकि अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होता है। आप इसको चबाते रहो, इसकी कैंडीज भी आती हैं उन्हें खाते रहो, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा आपकी मोशन सिकनेस पर। और लास्ट में आते हैं कुछ मेडिकेशंस। मेडिकेशंस बहुत ही असरदारक हैं। एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशंस आते हैं जैसे प्रोमीथाजीन, डायफेनहाइड्रामीन। इनको आप जर्नी से आधे एक घंटे पहले ले लो और ये बहुत ही सही काम करते हैं। आजकल तो मार्केट में एक्यूप्रेशर बैंड्स आने लग गए हैं। इन्हें आप अपनी रिस्ट पे बाइंड करो और ये उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को कंप्रेस कर देते हैं। आप खुद भी इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को कंप्रेस कर सकते हो। ये आपकी जो रिस्ट है उसके 3 फिंगर छोड़ के ये जो पॉइंट है, आप इसे 3-4 मिनट्स के लिए कंप्रेस करो और आपके सिम्टम्स बहुत रिलीव हो जाएंगे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।